नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर इस कोचिंग क्लासेज में आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का सिक्स पार्ट अर्थात छठवां पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का सिक्स पार्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे परीक्षा में जब आता है, जैसे हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं किसी संख्या में तो भागफल और शेष फल प्राप्त होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं देखना ध्यान से। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें डिवाइड करते हैं जिसमें भाग देते हैं अर्थात जिस संख्या में भाग देते हैं तो उसको भाज्य बोलते हैं या संख्या बोलते हैं, और जो यहाँ प्राप्त होता है इसको भागफल बोलते हैं, और जो यहाँ नीचे प्राप्त होता है इसको शेषफल बोलते हैं। और यहां से एक फार्मूला निकल के आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये फार्मूला निकल के आता है यहां से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, एक फार्मूला यहां से निकल के आता है। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, देखना परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखना ध्यान से, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, क्वेश्चन है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा अर्थात शेषफल क्या बचेगा। देखना ध्यान से, किसी संख्या माना संख्या यक्ष है, माना संख्या यक्ष है, संख्या यक्ष में 156 से भाग दिए, मान लो भागफल यम प्राप्त हुआ है, यम है भागफल, मान लो यम प्राप्त हुआ है और शेषफल यहाँ दिया गया है, शेषफल 29 प्राप्त होता है तो संख्या आपकी हो जाएगी अर्थात भाज्य हो जाएगा 156 गुणे यम प्लस 29। अभी अभी फार्मूला बताए थे, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और कहा कि संख्या को 13 से भाग देने पर अर्थात संख्या में 13 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 13 से काटेंगे, 13 × 13 = 26 एंड पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 13 × 26 रिमाइंडर निकल के आएगा 3। 29 को जब 13 से आप भाग करोगे तो भागफल आएगा कितना, 3 आएगा, तो आपका रिमाइंडर 3 होगा, 3 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष फल बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या को 15 से भाग करें तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। पहले संख्या पता करिए कौन सी संख्या है। अगर आपको संख्या पता करना है तो माना संख्या यक्ष है, संख्या यक्ष में 195 से भाग देने पर भागफल मान लो यम प्राप्त होता है और शेषफल 47 यहाँ दिया गया है, शेषफल 47 प्राप्त होता है यहाँ दिया गया, तो यक्ष बराबर अर्थात संख्या बराबर हो जाएगा 195 गुणे यम, यक्ष बराबर 195 गुणे यम प्लस शेषफल हो जाएगा, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी संख्या में 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा अर्थात शेषफल क्या बचेगा। देखना 15 × 15 = 45 और ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। यहां देखना, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, 195 / 15 + 47 / 15 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको काटेंगे यहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाएगा,
यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ देखना 15 या 45 शेषफल 2 प्राप्त हो गया, शेषफल 2 प्राप्त हो गया, और यही आपका रिमाइंडर है, शेषफल 2 प्राप्त हो गया, यही आपका रिमाइंडर है। अगर इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आए याद रखना ऐसे ही लगाना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अभी अभी संख्या निकाले थे, संख्या का वर्ग कर दो, जो भी आए उसी में भाग दे दो 6 से, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। जैसे देखना संख्या x में 6 से डिवाइड किए, शेषफल 3 प्राप्त हुआ है और भागफल m मिला है, संख्या हो जाएगी 6m प्लस 3, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, संख्या का स्क्वायर करने पर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 36m स्क्वायर, 3 त्रिका 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला निकल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो 2 6 12 12 36 यम, इसको अलग अलग करके लिख दिए 36m स्क्वायर बटे 6 प्लस 9 बटे 6 प्लस 36m बटे 6, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और जब यहाँ डिवाइड करोगे 6 1 6 रिमाइंडर 3 निकल के आएगा, आपका शेषफल हो जाएगा 3। इसका जो आंसर होगा 3 होगा, कि किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कैसे लगाना है ये बात समझना, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपका जो रिमाइंडर दिया है वर्ग की बात किया है, रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, यहाँ जो रिमाइंडर आया था पहले शेषफल 3 प्राप्त हुआ है उसी का वर्ग कर दो, और वर्ग में डिवाइड कर दो जिससे बात किया है डिवाइड करने के, 6 से भाग दे दो जो रिमाइंडर आए वही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या करना, अगर यहाँ शेषफल 3 प्राप्त होता है और कहा कि उसके वर्ग को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर का वर्ग कर दो, उसमें डिवाइड करो 6 से, जो आपका रिमाइंडर प्राप्त हो, रिमाइंडर का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, 9 में जब 6 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n, मतलब n था यहाँ, अब संख्या 2n हो गया, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। संख्या n को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा, और भागफल मान लो m प्राप्त हुआ है, भागफल मान लिए m प्राप्त हुआ है तो संख्या हो जाएगी अर्थात n हो जाएगा, इस संख्या अर्थात n बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, n बराबर हो जाएगा 4m प्लस 3, n का दोगुना कर दिए, अगर हम n में 2 का मल्टीप्लाई कर दें संख्या 2n बन जाएगी, 2n 4 दुना 8 और 2 तिहाई 6, 2n में डिवाइड करेंगे 2n का मान हो गया 8m प्लस 6 में 4 से भाग करेंगे, 8m प्लस 6 में जब 4 से भाग करेंगे 4 दुना 8, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, और यहाँ देखना 4 1 4 शेषफल 2 प्राप्त हुआ, ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट कैसे करते हैं, अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए संख्या n में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ, 4 नहीं 3 प्राप्त हुआ, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ, तो उसके दोगुने को
चार से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो शेषफल दिया है उसी का दोगुना कर देंगे। दोगुना करने के बाद आप जिससे डिवाइड करने की बात किया है उसी से डिवाइड कर देंगे, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट करिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। नोट करिए, हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या यक्ष को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक भागफल का चार गुना बराबर शेष का दो गुना है, शेष का दो गुना है, शेष 80 है तो यक्ष का मान ज्ञात करो। जब एक संख्या यक्ष को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक भागफल का चार गुना बराबर शेष का दो गुना है। यदि शेष 80 है तो यक्ष का मान ज्ञात करो। देखना ध्यान से, शेष 80 दिया ही है, इसी संख्या यक्ष में भाजक द्वारा डिवाइड करेंगे तो भाजक कौन सी संख्या होगी, भागफल कौन सी संख्या होगी। देखना ध्यान से, भाजक भागफल का चार गुना, भाजक जो है भागफल का चार गुना और शेष का दो गुना। भाजक जो है भागफल का चार गुना और शेष का दो गुना। देखना ध्यान से, भाजक भागफल का चार गुना है और जो भागफल है वह शेष का दो गुना। देखना ध्यान से, या देखा जाता है कि भाजक जो है भागफल का चार गुना बराबर शेष का दो गुना। शेष इतना मिला हुआ है, यहां दिया शेष 80 है तो भाजक 160 हो जाएगा। अगर शेष 80 है तो भाजक 160 हो जाएगा और जो भाजक है वह भागफल का चार गुना है। इसका मतलब भागफल 40 होगा तभी भाजक जो है 160 होगा। अगर भागफल 40 होगा तभी भाजक कितना होगा, 160 होगा। एक बार फिर से समझना, जब एक संख्या यक्ष को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक भागफल का चार गुना बराबर शेष का दो गुना है। यदि शेष 80 है तो यक्ष का मान ज्ञात करो। शेष अगर 80 है तो भाजक 160 होगा और जो भाजक है भागफल का चार गुना है, इसका मतलब भागफल 40 होगा। और अगर भागफल 40 है संख्या में जाएगी यक्ष बराबर 160 बड़े 40 प्लस 80 हो जाएगा 6480 हो जाएगा 6480। ये संख्या हो जाएगी, इसी संख्या में अगर 160 से डिवाइड करोगे 80 शेषफल आएगा और भागफल 40 आएगा। नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन देखना। एक छात्र को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था, हालांकि उन्होंने पहले 12 को संख्या में पहले 12 को जोड़ा और फिर उसे 6 से विभाजित किया और जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही उत्तर क्या है। तो देखना ध्यान से,
उन्होंने क्या किया, पहले संख्या में 12 ऐड किया, 12 जोड़ दिए संख्या में, संख्या मानो यक्ष है, संख्या में 12 जोड़ दिए, फिर उसे 6 से भाग दे दिए, जवाब के रूप में 112 प्राप्त हो गया। तो यक्ष बराबर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 672 आ गया, 12 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यक्ष का मान आ गया 660। 660 वह संख्या थी। अब देखना, एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने पर करने के लिए कहा गया, संख्या मिल गया 660। अब वह छात्र जो 6 से विभाजित किया, 110 प्राप्त हुआ। विभाजित करने और भागफल में जो भागफल आया है, शेषफल 0 आया, भागफल 110 आया। भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, 12 जोड़ दिए, वह संख्या हो गई, अर्थात उसका जो उत्तर था 122 था, उसका उत्तर जो आया था 122, ये सही आंसर था। संख्या में 6 से भाग देने के बाद जो भागफल आया, उसी भागफल में 12 ऐड करने के बाद जो संख्या आई, वही उसका आंसर हो गया, अर्थात वह आंसर जो था, वह उत्तर जो था 122 आना चाहिए था, लेकिन वहां पहले आया था 112। कैसे किया था 112? उन्होंने पहले 12 संख्या में जोड़ा, फिर 6 से भाग किया, तब उसका आंसर 112 आया था। लेकिन जब संख्या प्राप्त हो गई, संख्या में 6 से भाग करने के लिए बोला था, 6 से भाग किए, जो भागफल आया उस भागफल में 12 ऐड कर दिए, 12 जोड़ दिए, जो आपका आंसर होगा 122 होगा, अर्थात जो आपका आंसर 122 है। चलिए कल हम मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए अच्छा, चलते हैं हम, कल फिर मिलते हैं।